चलो चलो भाई रेडी हो जाओ, अभी पिलुगा स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे। सावकाश सोड़ी भाई, पिलुगा स्कूटर हो गया स्टार्ट, चलो। रोशन टूपन, इतनी जोर से कोई किसी को धक्का नहीं देता। ओ नहीं सोनी, मैंने तो बड़े प्यार से धक्का मारा था। प्यार से? नहीं नहीं रोशन भाभी, सोड़े की कोई गलती नहीं है, दरअसल गलती मेरी है। मुझसे ही वो गलती से एक्सीलेटर बढ़ गया और यहाँ आके गिर गया। आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं ऐसे चोट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दर्द हो रहा है हल्का हल्का। अरे बाप रे, हाथी भाई, हाथी भाई, हेलो हेलो हेलो, फ्रैक्चर? अरे नहीं फ्रैक्चर नहीं, वो तो मैं चेक कर रहा था। नहीं है, मसल पुल, मसल पुल। तो भाई बेटा, इस बार तो तू भगवान की वजह से किसी ना किसी तरह बच गया, लेकिन एक दिन स्कूटर की वजह से तेरी दुनिया हिल जाएगी। अगदी बरोबर है पोपट भौजी, और ये सारी गलती टप्पू की है। अरे माधवी आंटी, मेरी क्या गलती है? टप्पू, भेड़ा बहन ने कहा कि तेरी गलती है तो गलती है, समझे? ओए पापा जी, भेड़ा बहन क्या गलती है टप्पू की? इनका स्कूटर भंगार में से ढूंढ के वापस लाने की गलती। जी क्या बोलते तू? अगदी बरोबर बोलती है मी, ये स्कूटर से बढ़कर आप है मेरे लिए। हाँ भिड़े भाई, सोचिए अगर स्कूटर की वजह से आपको कुछ हो जाता तो? बराबर है भाभी, अरे सर पे कहीं चोट वोट लग जाती तो ये बिना बल के खुले सर में जगह जगह चोट के निशान कितने बुरे लगते। और भाई क्या है ना, सर की चोट तो किसी ना किसी तरह से तू कैप पहन के छुपा भी सकता, लेकिन आगे के तीन चार दांत टूट जाते तो? ओह हाँ, एक तो सर पे बाल कम, ऊपर से मुंह में दांत कम हो जाते। बाप रे बाप, तो कैसा दिखता भिड़े? अरे सोच क्या रहा है भिड़े? माधवी भाभी, अभी यह स्कूटर बेचने के लिए मना करे ना तो इसका घर से बाहर निकल देना, फिर भले यह बाकी की जिंदगी स्कूटर की साइड कार में गुजारे। बाप रे, अभी भी सोच रहा है? अरे इतनी भी क्या जिद भिड़े? अरे तुम्हें माधवी भाभी की बिल्कुल फिक्र नहीं है? सॉरी। सॉरी स्कूटर। माधवी माधवी, मेरा सपना था कि मैं जिंदगी भर स्कूटर अपने साथ रखूंगा, इसे मैं कभी अंतर नहीं दूंगा, लेकिन एक मिनट देखिए, स्कूटर की हालत को और इसकी वजह से पैदा हुए हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी तरह से सोच समझ कर और जोश में ना आकर मेरा ये स्कूटर बेचने की
अनुमति देता हूँ। किसे? अपने आप को। कमाल है, वो पिड़ू अपने आप को स्कूटर बेचेगा। अरे नहीं सोड़ी, आत्माराम का कहना है कि वो ये स्कूटर बेचने के लिए रेडी है। हाँ। अरे भाई भिड़े, ये पहले ही फैसला ले लिया होता तो इतनी मगजमारी तो नहीं होती। मतलब कि टप्पू ने भंगार में स्कूटर बेचा, वो सही था। हाँ टप्पू, तुम बिल्कुल सही थे और मैं गलत था। और पिड़ो, अब तू अपनी गलती सुधार और इस स्कूटर का फटाफट बेच डाल। शाबाश। हाँ टप्पू, भंगार वाले को बुलाओ ना जल्दी। हाँ पर माजी आंटी, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। ओए एवरीबॉडी डोंट वरी, और मेरा खास बंदा मनिंदर, वो ऐसे पुराने स्कूटर खरीदता है, उनको रिपेयर करता है और फिर फर्स्ट क्लास बेच डालता है। तो फिर अच्छा है ना। हाँ? स्कूटर उसी से ठीक करवा लेते हैं। काय? नहीं नहीं बेचना है। सॉरी भाई, आप फोन कीजिए। लगा लगा फोन जल्दी। हाँ हाँ भाई फोन कर, बेचते। हाँ जी अभी करता हूँ माधवी पापी जी। मनिंदर सिंह। नहीं नहीं सॉरी, फोन कट फोन कट, नहीं बेचना। अरे ऐसा क्या है भाई भिड़े, क्या तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है? नक्की कर बेचना है कि नहीं बेचना। हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओके भाई, लगा फोन, बेचना है। लगाओ लगाओ सॉरी भाई, आप नंबर मिलावा। लगा लगा। ओ सतरीकाल मनिंदर, ओ कितने यार, आजा आजा चेती आजा, एक बंगा पंगड़े डालने वाले स्टाइल का स्कूटर बेचना, आजा भी आजा। ओ मनिंदर आ रहा जी, फटाफट पास में ही है मेरा दोस्त। हां वांदा नहीं, आना तो। थैंक यू ओ सोड़ी भाई। ओ मालवी पापे जी, मोस्ट वेलकम ऑलवेज। सॉरी। नहीं माधवी, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, और तुमने शायद ठीक ही कहा था कि मेरा और मेरे स्कूटर का साथ यहीं तक था। हर मौसम में, चाहे वो धूप हो, छांव हो, बरसात हो, मेरा साथ देने के लिए। और आई एम वेरी सॉरी, मैं आज अपने आप से तुम्हें जुदा कर रहा हूं। आई एम सॉरी। भिड़े अंकल का ये रूप तो पहली बार देखने को मिला। नहीं भिड़े अंकल टीचर से ट्रेजेडी किंग बन गए। अहो ये आत्माराम स्कूटर के लिए कितना इमोशनल हो रहा है यार। भाई आप क्या जानो दिल की बातें, जिनके साथ दिल के तार जुड़ जाते हैं, जिसे हम अपना मानते हैं, उनके साथ रिश्ता कितना गहरा हो जाता है। वाह भिड़े वाह। क्या बोपटलाल, दिल की बातें अय्यर भाई को समझ में नहीं आती है, मशीन की बात बोलो तो उनका समझ में आती है। क्या साइंटिस्ट है ना, तो मशीन की बातें ज्यादा समझते। जेठालाल अय्यर, ये निर्जीव वस्तु से इतना लगाव तबीयत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अच्छा मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। है? वो आजकल मुझे चाकू से बहुत लगाव हो गया है। चाकू? हाँ, वो रोज सब्जी संभालती हूँ ना, तो इसलिए चाकू। नहीं नहीं दूर रहे भाई, चाकू से दूर रहे। जी भिड़े भाई, ये जीवन एक मोबाइल की तरह है, जैसे मोबाइल में इनकमिंग आउटगोइंग ना हो तो मोबाइल मोबाइल कैसा, ठीक वैसे ही अगर जीवन में आना जाना ना हो तो जीवन जीवन कैसा। सच कहा बागा, बागा। ओ जीवन में आना जाना तो लगा ही रहता है। देखो जैसे सामने से मनिंदर आ रहा है। ओए मनिंदर, सत श्री अकाल भाई, यार आ जा। जो आया उसको उठा ही लेता है।
आनंद। यही है स्कूटर? हाँ यार यही खटारा। बड़ा प्यारा स्कूटर। वो ऐदे नाल साइड कार भी हैगी है। बहुत चंगा स्कूटर है। वेरी गुड। भाई साहब आप ये बताइए इसके कितने पैसे आएंगे? भाई इसके दे दूंगा मैं रुपये 2000। सिर्फ 2000? एक मिनट, आपको कितने चाहिए जी? नहीं नहीं स्कूटर इनका ही है भाई साहब, यही तय करेंगे कि उनको स्कूटर कितने में बेचना है। आप क्यों बीच में बोले? सॉरी 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 भाई, सॉरी। देखिए भाई साहब, वैसे मेरे स्कूटर का कोई मोल नहीं है। हाँ फ्री। अब्दुल भाई। अब्दुल कहीं पन बोले छे? देखिए मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ। वादा? कैसा वादा? भाई साहब मैंने अपने स्कूटर को बड़े प्यार से संभाला है। अगदी खरा है, इस स्कूटर को इन्होंने एक बच्चे की तरह पाला है। सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, अरे बारिश में तो आधी रात को स्कूटर को देखने जाते थे कि उसका कहीं कवर न निकल गया हो, कहीं स्कूटर भीग न रहा हो। सच्चा प्यार। खुद भीगते थे लेकिन स्कूटर को कभी भीगने नहीं दिया। बिल्कुल सच कह रही है माधवी, मैंने तो सिर्फ बच्चे की तरह ही संभाला है। नहीं नहीं नहीं, आप इसे बच्चे की तरह नहीं संभाल पाएंगे। आप रहने दीजिए, मुझे नहीं बेचना। सोडी पिडू? हाँ सोडी, नहीं बेचना। अरे अरे भाई, अरे फरी की फरी गया। हाँ भिड़ा यार, क्या तो हमारी भावनाओं के साथ खेल खेल रहा है। कभी बोल रहा है बेचना है, कभी बोल रहा है नहीं बेचना है। थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग खुश होते हैं दुखी होते हैं, खुश होते हैं दुखी होते हैं, ये क्या लगा है भाई? भिड़े मास्टर, तुम स्कूटर बेचो या ना बेचो, आइसक्रीम और पेड़े तो खिलाने ही पड़ेंगे। भिड़े भाई बेचारे अपने स्कूटर को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनका मन नहीं मान रहा है। और पिडू, ओए अभी के अभी डील ये एकदम फाइनल है। हाँ सोडी भाई बरोबर है। और एक काम करते हैं मनिंदर, तू 2000 की जगह इसको 3500 रुपया दे दे। डन। 3500? ओ यार एडजस्ट कर लांगे, उन्हें देना भरा है अपना। सोडी तुसी कहता गल फाइनल, ठीक है? मैनू यार थैंक यू। कोई डर नहीं, 3500 दे दिने। हेलो फड़ो पूरे 3500। 1, 2, 3 3500 ला पिडू फाड़। 3500 माधवी पापी जी। हेलो जी, अब फाइनल हो गई डील? ओ बिल्कुल फाइनल हो गई भाई। अरे भाई मनिंदर, फिर अपना विचार बदले उसके पहले जल्दी स्कूटर ले जा। ठीक है ठीक ठीक है। भाई साहब एक मिनट, मेरे स्कूटर को हमेशा खुश रखना। स्कूटर को खुश कैसे रख सकते हैं? गुदगुदी करके। और हाँ संडे के संडे में इसे मिलने आऊंगा। स्कूटर से? हाँ। ओ करेक्ट है यार, ओ गड्डी स्टार्ट कर तो लेके जा। अरे भाई साहब जरा एक मिनट प्लीज। पता नहीं अब क्या हो गया जी। मेरा इस स्कूटर के साथ एक फोटो खींच देंगे प्लीज? जरूर जी। स्माइल। ठीक है जी। थैंक यू।
आओ, मेरा भी एक। क्यों नहीं जी, जरूर जरूर, वैसे फैमिली फोटो तो बनता ही है। हो गया जी, बहुत देखो, पर फर्स्ट क्लास आया है ना। थैंक यू। तो अब मैं जाऊं? हाँ। माधवी, मैंने स्कूटर बेच के कहीं गलत तो नहीं किया ना? कुछ गलत नहीं किया है आपने। आपको क्यों इतना अफसोस हो रहा है? दुनिया में लोग अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर बेचते हैं। गाड़ी का है, अपना खानदानी घर भी बेचते हैं। संसार का नियम ही है ये। पता नहीं माधवी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्वार्थी बन गया हूँ। मतलब जिस स्कूटर ने मेरा इतना साथ दिया, वो सिर्फ पुराना हो गया इसलिए मैंने उसको बेच दिया। कितना सोचते हैं आप। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है ना, तो हम कल ही नया स्कूटर ले लेते हैं। नया स्कूटर आ जाएगा ना, तो धीरे धीरे पुराने स्कूटर को भूल जाएंगे आप। हाँ? नहीं माधवी। क्यों, नया स्कूटर नहीं लेना है? नहीं नहीं, मतलब स्कूटर लेंगे लेकिन बरसात के बाद लेंगे। देख लीजिए, जब तक आपका जी नहीं भरता तब तक देख लीजिए। मास्टर भिड़ो को अपने सर से बालों की विदाई का इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना स्कूटर की विदाई का दुख हुआ है। लौकी की विदाई की तरह स्कूटर की विदाई हुई है भाई, ये सिर्फ गोकुल धाम में ही हो सकता है। विदाई मतलब दुख, लेकिन अगर कुछ चीजों की विदाई इस देश से हो जाए तो हम बड़े सुखी होंगे। जैसे महंगाई की विदाई, भ्रष्टाचार की विदाई, बच्चों के स्कूल में एडमिशन के टेंशन की विदाई। लेकिन क्या करें साहब, इन चीजों की विदाई होती नहीं। एक काम जरूर करिएगा, आपके जीवन से संस्कारों की विदाई कभी मत करिएगा। लेकिन हाँ, आपके जीवन से टेंशन की विदाई हम कर देंगे जब हम आपको दिखाते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आदमी के सर में टेंशन और नाक पे गुस्सा, ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें साहब, हमारे परम मित्र जेठालाल यही दो चीजें पाले हुए। बहुत मजा आएगा जब आएगा अगला एपिसोड। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।